प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल दौरा। पीएम मोदी ने ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया। पीएम ने 600 मेगावाट का मैंग जल विद्युत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, मेरा सपना है मेरा देश आगे बढ़े। हम चुनाव में लाभ के लिए काम नहीं करते, अब अटकाने लटकाने का समय गया है। पूर्वोत्तर का विकास देश की प्राथमिकता है। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है। साल के 365 दिन 2400 घंटे हम देश के विकास के लिए काम करते हैं। दूर सुदूर सीमा पर बसे गांवों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन्हें आखिरी छोर नहीं बल्कि देश का प्रथम गांव मानकर काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि किस तरह से यहां पर काम हुआ है, उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया। पीएम ने 600 मेगावाट का मिंग जल विद्युत स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया और साथ में कहा कि मेरा सपना है मेरा देश आगे बढ़े। हम चुनाव में लाभ के लिए काम नहीं करते, हम अटकाने लटकाने का समय नहीं लाते हैं और ना ही वो समय अब है। पूर्वोत्तर का विकास देश की प्राथमिकता है। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है। साल के 365 दिन 2400 घंटे हम देश के विकास के लिए काम करते हैं। दूर सुदूर सीमा पर बसे गांवों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन्हें आखिरी छोर नहीं बल्कि देश का प्रथम गांव मानकर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल दौरा। पीएम मोदी ने ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईटानगर में जनसभा को संबोधित किया और कहा, आप जानते हैं कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करते हैं। जब मैंने 2019 में इसका शिलान्यास किया तब चुनाव होने वाले थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शोर मचाया कि हवाई अड्डा नहीं बनने जा रहा, आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो आज इसका उद्घाटन हुआ है और पीएम मोदी ने अपने अरुणाचल दौरे के दौरान ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईटानगर में जनसभा को संबोधित किया, कहा कि आप जानते हैं कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं, जहां जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करते हैं। जब मैंने 2019 में इसका शिलान्यास किया तब चुनाव होने वाले थे। राजनीतिक टिप्पणीकारों ने शोर मचाया कि हवाई अड्डा नहीं बनने जा रहा है और आज इसका उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। काशी तमिल संगमम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कहा, हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है। काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है। काशी तमिलनाडु की कला विश्व का केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु की कला विश्व का केंद्र है, वाराणसी दौरा और इस दौरान काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। काशी तमिल संगमम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और कहा, हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व है। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है। काशी विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है। काशी तमिलनाडु की कला विश्व का केंद्र है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस आप पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस ने पटेल को भुलाया, सावरकर का अपमान किया। कांग्रेस के शासन में हिंदू आतंकवाद की बात कही गई। 70 सालों में सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की गई। भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर का अपमान किया गया। ऐसी पार्टी को गुजरात की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठाकुर ने गुजरात में जोर आजमा रही आप पर भी निशाना साधा और कहा, आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है। पहले आरोप लगाते हैं, बाद में शब्द वापस लेते हुए माफी मांगते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब में 3 माह में 70 हत्याएं। पता नहीं पंजाब में सरकार है भी या नहीं। पंजाब को लेकर
निशाना साधते हुए नजर आए और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पटेल को भुलाया है, सावरकर का अपमान किया है। कांग्रेस के शासन में हिंदू आतंकवाद की बात कही गई, 70 सालों में सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की गई, भीमराव अंबेडकर और वीर सावरकर का अपमान किया गया, ऐसी पार्टी को गुजरात की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठाकुर ने गुजरात में जोर आजमा रही आप पर भी निशाना साधा और कहा आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है, पहले आरोप लगाते हैं बाद में शब्द वापस लेते हुए माफी मांगते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा। पंजाब में 3 माह में 70 हत्याएं, तो पता नहीं पंजाब में सरकार है भी या फिर नहीं। गुजरात में 21 नवंबर को राहुल गांधी की रैली, भारत जोड़ो यात्रा के बीच होगी गुजरात चुनाव में राहुल की रैली। 21 नवंबर को गुजरात में राहुल गांधी की पहली रैली और पहली रैली में 1 बजे सूरत और दूसरी रैली 3 बजे राजकोट में होगी और उसकी तैयारियां शुरू हैं। गुजरात में 21 नवंबर को राहुल गांधी रैली करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में गुजरात चुनाव में राहुल की ये रैली होगी। 21 नवंबर को गुजरात में राहुल गांधी की ये पहली रैली है। पहली रैली 1 बजे सूरत और दूसरी रैली 3 बजे राजकोट में होगी। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज का वीडियो सामने आया। बिस्तर पर लेटकर मसाज कराते सत्येंद्र जैन दिखे। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया का बयान और मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बनाया गया है, इलाज के वीडियो जारी करना घटिया हरकत है। भाजपा सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, डॉक्टर ने जैन को फिजियोथेरेपी की सलाह दी है। बीमारी का मजाक बनाकर चुनाव जीतना मकसद है। सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, मनीष सिसोदिया ने यह कहा और उन्होंने कारण भी दिया कि किस वजह से ये जो वीडियो है वो वायरल किया गया है और वीडियो का कारण क्या है, जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज का वीडियो सामने आया। बिस्तर पर लेटकर मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन दिखे। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बनाया गया है, इलाज के वीडियो जारी करना घटिया हरकत है। भाजपा सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, डॉक्टर ने जैन को फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी। बीमारी का मजाक बनाकर चुनाव जीतना मकसद है। सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा के मामले में एनआईए की खिंचाई की। अदालत ने आदेश में लूप होल ढूंढना अच्छी बात नहीं है। नवलखा को 24 घंटे में घर में नजरबंद करने के आदेश हैं। एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत जेल में गौतम नवलखा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को दिए थे घर में नजरबंद रखने के आदेश और अब तक आदेश का पालन नहीं करने पर एनआईए को फटकार लगी है। तो एनआईए को यह फटकार सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा के मामले में एनआईए की खिंचाई कर दी। अदालत के आदेश में लूप होल ढूंढना अच्छी बात नहीं है। नवलखा को 24 घंटे में घर में नजरबंद रखने के आदेश हैं। एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत जेल में गौतम नवलखा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को घर में नजरबंद करने के निर्देश दिए। अब तक आदेश का पालन नहीं करने पर एनआईए को फटकार कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला जल्दी निपटाने के प्रयास। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में फुल कोर्ट बैठक में यह फैसला हुआ। हर बेंच रोज सुनेगी 10 जमानत और 10 ट्रांसफर याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में 13 बेंच रोजाना निपटाएंगे 130 ट्रांसफर मामले। इस तरह एक हफ्ते में निपट सकते हैं 650 ट्रांसफर मामले। सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं 13,000 से ज्यादा ट्रांसफर मामले। तो बहुत सारे मामले लंबित हैं और इन्हीं मामलों को निपटाने की अब कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले जल्दी निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में फुल कोर्ट बैठक में ये फैसला हुआ। हर बेंच रोज 10 जमानत की और 10 ट्रांसफर याचिकाओं को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में 13 बेंच रोजाना 130 ट्रांसफर मामले निपटाएंगी। तो इस तरह एक हफ्ते में निपट सकते हैं 650 ट्रांसफर मामले। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 13,000 से ज्यादा ट्रांसफर मामले। चुनाव आयोग ने एक आईएएस को चुनाव ड्यूटी से हटाया। गुजरात विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त हुए थे। 7 नवंबर को बापूनगर असरवा चुनाव क्षेत्रों में नियुक्ति। आईएएस अभिषेक सिंह ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी। चुनाव आयोग ने इसे सरकारी पद का दुरुपयोग माना। पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही
की है। अभिषेक सिंह चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी से मुक्त हुए हैं। तो चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी जो मिली थी उससे मुक्त कर दिया गया। चुनाव आयोग ने एक आईएएस को चुनाव ड्यूटी से हटाया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त हुए थे 7 नवंबर को। बापूनगर असरवास चुनाव क्षेत्रों में नियुक्ति मिली थी। आईएएस अभिषेक सिंह ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी थी और चुनाव आयोग ने इसे सरकारी पद का दुरुपयोग माना था। पब्लिसिटी स्टंट मानते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। अभिषेक सिंह चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी से मुक्त। गुजरात की 36 विधानसभा सीटों पर भारी जद्दोजहद है। 2017 में इन सीटों पर 5000 से कम वोटों से हार जीत हुई। इन सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों पार्टियों का फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला था। इस बार चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी भी मौजूद है, यानी कि इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। गुजरात की 36 विधानसभा सीटों पर भारी जद्दोजहद। 2017 में इन सीटों पर 5000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। इन सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों पार्टियों का फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस में मुकाबला था, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी भी मौजूद है। गुजरात में भाजपा के प्रचार में जुटे 3 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा जनसभा कर रहे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तूफानी दौरे कर रहे हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने 3 जनसभाएं की। हेमंत बिस्वा सरमा ने 2 आम सभाओं को संबोधित किया, जबकि गुजरात में 4 जगह शिवराज सिंह चौहान की चुनावी रैलियां थी। तो लगातार जो 3 मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो गुजरात में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा जनसभा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तूफानी दौरे कर रहे हैं। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने 3 जनसभाएं की। हेमंत बिस्वा सरमा ने 2 आम सभाओं को संबोधित किया, जबकि गुजरात में 4 जगह शिवराज सिंह चौहान की चुनावी रैलियां थी। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर अब कुल 6 उम्मीदवार। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट खाली हुई। गुरुवार शाम तक 13 लोगों ने दाखिल किए थे नामांकन। शुक्रवार को जांच पड़ताल के बाद 7 नामांकन पत्र रद्द किए गए। अब 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। 21 नवंबर नाम वापसी की तारीख है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तो 8 दिसंबर को मतगणना होगी, वहीं 5 दिसंबर को मतदान होगा। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर कुल 6 उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन से ये मैनपुरी की सीट खाली हुई है। गुरुवार शाम तक 13 लोगों ने नामांकन दाखिल किए थे। शुक्रवार को जाँच पड़ताल के बाद 7 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं। पंजाब भाजपा के 4 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। गृह मंत्रालय ने एक्स कैटेगरी सुरक्षा दी है। आईबी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा दी है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमरजीत सिंह और जगदीप सिंह को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ये सभी नेता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्लान बी, अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना सकते हैं हेमंत सोरेन। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के साथ अक्सर नजर आती हैं कल्पना। 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस समारोह में मौजूद थी। हेमंत सोरेन सरकार के पास 50 विधायकों का बहुमत है। इस्तीफा देना पड़ा तो मुख्यमंत्री बन सकती हैं कल्पना सोरेन। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती आज है। आजाद भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री, 4 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। भारत के इतिहास की सबसे सशक्त महिला में गिनती होती है। सशक्त महिला वो रही हैं। भारतीय राजनीति में नई मिसालें इंदिरा गांधी ने गढ़ी। दुनिया में भारतीय लोकतंत्र के साथ ही अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देवी दुर्गा के साथ इंदिरा की तुलना की थी। 2020 में टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं में इंदिरा गांधी को शामिल किया। कोची में 19 वर्षीय मॉडल के साथ चलती कार में गैंगरेप। वो लेट नाइट पार्टी के बाद त्रिशूर के कुछ लोगों ने लिफ्ट दी थी। गैंगरेप के बाद मॉडल को घर के पास आरोपी छोड़ गए। घायल युवती अस्पताल में भर्ती है, पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने एक युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रेम काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई में 3
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई में तीन पद अब तक खाली हैं। पीसीआई में सदस्य के रूप में होती है तीन सांसदों की नियुक्ति। एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है और अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। राज्यसभा की तरफ से प्रस्तावित किए गए दो नाम भाजपा के राकेश सिन्हा, टीआरएस के केशव राव के नाम प्रस्तावित हैं। लोकसभा की तरफ से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया की निगरानी करती है भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई। टी20 वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई का बड़ा फैसला। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सभी सिलेक्टर्स को हटाया। चेतन शर्मा, सुनील जोशी हटाए गए हैं। बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं के मांगे हैं नाम। बीसीसीआई ने 28 नवंबर तक आवेदन मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी वजह टीम चयन में अनियमितताएं हैं। उदाहरण के लिए एशिया कप के लिए रवि बिश्नोई को मौका दिया गया था, लेकिन बाद में टी20 वर्ल्ड कप टीम से उनकी छुट्टी कर दी गई। साथ ही शिखर धवन जैसे प्लेयर को सेकंड ऑप्शन माना गया। अब जान सकेंगे दवा की गुणवत्ता। दवाओं और इंजेक्शंस के पैकेट पर बार कोड लगाया जाएगा। अगले साल 1 अगस्त से व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। दवाइयों के टॉप 300 ब्रांड पर बार कोड लगाया जाएगा। मोबाइल से स्कैन कर सकेंगे, असली नकली दवाई की पहचान कर सकेंगे। बार कोड स्कैन करने पर दवा से संबंधित डिटेल आ जाएगी। बनारस रेल इंजन कारखाने से बनाया बड़ा कीर्तिमान। पहली बार 365 दिनों में तैयार किया 367 रेल इंजन। अगस्त 1961 में शुरू हुआ डीजल और विद्युत इंजन कारखाना, अब तक कारखाने में बन चुके हैं 8000 से ज्यादा इंजन। 11 देशों में बनारस रेल इंजन कारखाने के इंजन भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा हवाई अड्डे का विस्तार। जेवर क्षेत्र के 7 गांवों में 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। इसके लिए गांवों के 4341 परिवारों को विस्थापित करना होगा। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यह जानकारी दी। जमीन अधिग्रहण के लिए राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 की घोषणा कर दी गई। जेट एयरवेज ने 10% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। बगैर वेतन छुट्टी पर भेजे गए 10% कर्मचारी और इसके साथ ही 23% कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है। कंपनी को अपने हाथ में लेने का इंतजार नए मालिक कर रही है। लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। पेरू में रनवे पर ट्रक से विमान टकरा गया। उड़ान भरते समय लेटम एयरलाइंस का विमान टकराया ट्रक से। पेरू के जॉर्ज चावेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर यह हादसा हुआ। विमान हादसे में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। हालांकि किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई जनहानि नहीं हुई है। विमान में 102 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे।